गुड मॉर्निंग पिला माने। सो आमर केमिस्ट्री क्लास दी दिन परे पुणी मिलला। तो दी दिन परे मु कौन तुम मन को पढ़े थी मु टिके मन पकई दउची तुम्हें मन भी मिसर मो सहित देखो ना आम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो फर्स्ट यूनिट ही आम पढ़ुले ना से फर्स्ट यूनिट रो गोटे सब टॉपिक आम अधारे पढ़ी कौन ना मेटल एक्सट्रैक्शन विषय पढ़ुले कौन पढ़ी थी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मिनरल बेनिफिकेशन और मेटालर्जी। मेटालर्जी माने कौन पिले स्टडी ऑफ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेटल को प्यूरीफाई एक्सट्रैक्शन करी बा मेटल को बाहर करबा पई विभिन्न प्रकार मेथड बा विभिन्न प्रकार टेक्निक इंस्ट्रूमेंट फॉलो करी प्योर मेटल्स पाया प्रोसेस को मेटालर्जी नॉर्मली कहबा स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनरल बेनिफिकेशन माने कौन पिले जो मेटल एक्सट्रैक्शन करबा पई तमे जो ओर पाइथिबो सेई ओर रु किछि इम्प्यूरीटीज गुड़ाक रिमूव करिया प्रोसेस बा गेंग्यू मेटेरियल्स को रिमूव करिया प्रोसेस को तुम्हें मिनरल बेनिफिकेशन कहबो जो जतले प्योर मेटल पाइबो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मान तुम्हें जानिछो मेटल बाहर करिबा उद्धृत करिबा ए सब प्रोसेस बुझिपाल। नेक्स्ट पढ़ेली तुमको गेंग्यू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मान बुझल कही मिनरल बेनिफिकेशन मेटलर्जी स्पीड कहीकि अलरेडी मुझे गेंग्यू मान कौन पिले जोटा कि गोटे रथलेस मेटेरियल्स कहरे थाए से मेटाल आइटम्स थाए बा इम्प्यूरीटी सब्सटेंस ना जे गेंग्यू। मेटल एक्सट्रैक्शन करवाई पिले आमर डिफरेंट फॉर्म थिला किछि भिन्न भिन्न प्रकार मेथड्स थिला गोटे मेथड ना होची पिले क्रसींग एंड ग्राइंडिंग थिला आउ गोटे मेथड ना होची पिले कंसंट्रेशन ऑफ थिला आउ गोटे मेथड ना थिला पिले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लास्ट था पिले रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड मेटल। डियर स्टूडेंट्स दीज आर द फोर स्टेप्स और दीज आर द फोर प्रोसेस विच इज वी ऑब्टेन एट द मेटल फ्रॉम ओर और नेटिव और मिनरल। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय क्रसींग एंड ग्राइंडिंग। क्रसींग माने कौन कही पे पेशीबा ग्राइंडिंग माने गुंड करवा प्रथम यही पद्धति कराए पुणी ना क्रसींग कौटी करवा कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करवा जाओ क्रसर। जाओ क्रसर कौन हुए ना ओर को आणिकी से पूरा टेला टेला बा किसी स्टोन आकार कौन करे किसी क्रसडर करा क्रसडर को नहीं पुणी ग्राइंडिंग स्टाम्प मिले पकैया द्वारा ग्राइंडिंग हम गुंड हम तुम आगे पढ़ी चौ। कनसेट्रेसन अफ ओर में कौ मेथड थी बिल कनसेट्रेसन अफ ओर मैंने बुझुच ओर में जीक इम्प्यूरीटीज लगी रिमूव करके प्योर जिनस पाइबा होती बिल तुम कनसेट्रेसन कनसेट्रेसन मीनस द प्योर सब्सटेंस आर नोन आज कनसेट्रेसन प्लीज ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दिस कनसेट्रेसन ओर मेथड इज कैरिड आउट बाय फोर मेथड्स फोर प्रोसेस वन इज ग्राविटी सेपरेशन मेथड ग्राविटी माध्याकर्षण बल मैग्नेटिक चुंबकीय प्रो फ्लोट फ्लोटेसन जोटा कि गोटे लिक्विड रे ना ऑयल फ्लोट करवा द्वारा फेण बाहर थी लीचिंग प्रोसेस माने कौन पिले गोटे सुइटेबल केमिकल साहाज्य द्वारा इम्प्यूरीटीज मानक आम रिमूव करवा। सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर द फोर प्रोसेस व्हिच इज इनक्लूडिंग ऑफ अवर कनसेट्रेसन ओर ओर को ओर रु कनसेट्रेसन पाइबापी आम यहाँ मेथड सब फलो करूँ डायग्राम दे सब करूँ पिले क्रसींग कनसेट्रेसन पुणी नेक्स्ट तीन नंबर मेथड थी तुम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यही जो एवं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करने आम कौन सब कनसेट्रेटेड ओर रही से विषय आज मुझको पढ़ेबी। ओके देख यो आम लीचिंग प्रोसेस जाता लीचिंग प्रोसेस माने कौन बुझल ना ना देख मुथर दे लीचिंग प्रोसेस हूँ गोटे केमिकल मेथड फॉर द माने ओर कनसेट्रेसन ओर पाइबापी ओर रु आम कनसेट्रेसन पाइबापी कि गोटे केमिकल यूज करें बुझिपार से केमिकल यूज बक्साइड थी आलुमिनियम बक्साइड आम लिकर मिसाई सोडियम मेटा आलुमिनेट बाहर सोडियम मेटा आलुमिनेट पुणि व्वाटर पास कर आलुमिनियम हाइड्रोक्साइड बाहर से आलुमिनियम हाइड्रोक्साइड को हिट करार पुणी प्योर आलुमिनियम पाइले ए प्रोसेस होची पिला हमर लीचिंग प्रोसेस ए प्रोसेस अंडर रे जाउची और ओके डियर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू और आउट ऑफ पार्ट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन इंटरेस्टिंग सब टॉपिक्स ऑफ लीचिंग प्रोसेस दीज आर देर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देर दिस टर्म्स नेम इज नोन एज वन इज ए फ्लक्स एंड अदर इज ए स्लैग। डू यू नो डियर स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स एंड स्लैग जेहेतु मो ऊपर हेडिंग लिखी ते कही दूची फ्लक्स माने कौन पिले गोटे इंप्यूरिटी क्यू रिमूव करने जेकोसी गोटे केमिकल जेकोसी गोटे सब्सटेंस मिसोले आम फ्लक्स कह फ्लक्स इज ए एडिशनल सब्सटेंस टू रिमूव द इंप्यूरीटीज फ्रॉम मेटल आटम ओर बुझिपार ओर ठारू
इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने एमती गोटे सब्सटेंस आम यूज एडिशनल सब्सटेंस को आम फ्लक्स कही था स्लाग मैंने कौन बिले इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने जो एडिशनल जो फ्लक्स आम आसेले मिसेवा द्वारा पुणी कौन गोटे फिजिबल प्रोडक्ट फर्मेसन हम गोटे लिक्विड सब्सटेंस फर्मेसन हम धातु मल बोली कह जाए स्लाग मैंने बुझिपार जो वेस्ट मटेरियल्स लिक्विड आकार में फर्मेसन होता आम कह स्लाग बोली देख मु आग को पढ़ेबी फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ्लक्स मैंने कौन टे नॉर्मल कहल फ्लक्स इज द एडिशनल सब्सटेंस एडेड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन मेटल कौन बुझुच बोले फ्लक्स हूँ गोटे एडिशनल सब्सटेंस गोटे अतिरिक्त मान जहाँ दरकार है एक्सट्रा रही सब्सटेंस को एडिशनल सब्सटेंस कह जाए फ्लक्स इज द एडिशनल सब्सटेंस फ्लक्स हूँ गोटे एडिशनल सब्सटेंस एडेड एडिशनल सब्सटेंस पुणी एड हम क्यों टाइम ड्यूरींग द एक्सट्राक्शन मेटल जिते मेटल एक्सट्राक्शन करुवा समय एमती गोटे अतिरिक्त सब्सटेंस एडिशनल सब्सटेंस एडेड हो आम फ्लक्स बोली कह नॉर्मल मन रख मेटल एक्सट्राक्शन हो समय जो एडिशनल सब्सटेंस आसी एड हम से एडिशनल सब्सटेंस को आम फ्लक्स कह ओके इट इज द सब्सटेंस एडेड टू मल्टन मेटल्स आउ थ भी लिखी आउ डेफिनेशन दे इट इज द सब्सटेंस बोले फ्लक्स हो गोटे सब्सटेंस एडेड टू मल्टन मेटल्स एड हम कहीं मल्टन मेटल सहित लिक्विड मेटल सहित पुणी एड हम टू बंड हुईपर कौन एड हो कौन हम टू बंड बंड फर्मेसन कर बंड बांध क्या सहित इम्प्यूरीटीज सहित दैट कैन बी रेडियली रिमूव कौन पर इम्प्यूरीटी सहित बंड बांध जेहेतु से इम्प्यूरीटीज मैंने इजिली और रेडियली रिमूव हे बुझिपार रिमूव हो फ्लक्स सब्सटेंसटा आसी एड से इम्प्यूरीटीज को रिमूव कराइब गला दिज फ्लक्स आर अफ टू टाइप्स ये फ्लक्स पुणी केते प्रकार पिले दी प्रकार सच एज वन इज एसिडिक फ्लक्स एनदर इज बेसिक्स फ्लक्स डियर स्टूडेंट्स नॉर्मली दिस क्वेश्चन विल बिकम ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओके दिस इज योर बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन प्लीज ऑल ऑफ यू रीड प्रॉपरली ओके लेट अस कंटिन्यू एसिडिक फ्लक्स मीन्स व्हाट इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक फ्लक्स माने ऑक्साइड्स फॉर्म रे रही थे किए से एसिडिक अम्लीय ऑक्साइड रे ना से एसिडिक ऑक्साइड को माने ऑक्साइड्स ऑफ ए नॉन मेटल फॉर्म रे थे देखो सिलिकन डाइऑक्साइड फास्फोरस पेंटऑक्साइड बेरियम ट्राइऑक्साइड ए माने हमर नॉन मेटल्स फॉर्म रे रही थे देखो एसिडिक फ्लक्स रे एग्जांपल दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड हो जे हमर लाइमस्टोन जानि जो ता सहित जदि सिलिकन डाइऑक्साइड जदि फ्लक्स गो एडिशनल सब्सटेंस को मिसेले एडिशनल सब्सटेंस जितने कैल्शियम ऑक्साइड सहित मिसीगला कौन फॉर्मेशन है पिले कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड बा स्लाग बोली कह ये स्लाग हूँ पिले गोटे लिक्विड सब्सटेंस सिलिकॉन डाइऑक्साइड हूँ पिले गोटे एडिशनल सब्सटेंस जहाँ आम फ्लक्स कह ये हूँ आम गेंग्यू ओर पार्टिकल्स ये स्लाग ये फ्लक्स बुझिपाल पिले फ्लक्स मैंने कौन कही ना इम्प्यूरीटीज को हटेबापी एमती गोटे एडिशनल सब्सटेंस आड हो सच एडिशनल सब्सटेंस आर नॉन आज फ्लक्स एंड जितेबाला एडिशनल सब्सटेंस एड हो गए लिक्विड मटेरियल्स बाहर गोटे लिक्विड सब्सटेंस बाहर जहाँ को आम धातुमल बोली ही आम स्लाग बोली कह स्लाग इज ए लिक्विड सब्सटेंस ओके हूँ इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओर और मेटल आटम क्लियर पिले एसिडिक फ्लक्स गला नेक्स्ट आस बेसिक्स फ्लक्स कौन देख बेसिक्स फ्लक्स मान कौन पिले न बेसिक्स फ्लक्स इज द सब्सटेंस बेसिक्स फ्लक्स हूँ गोटे सब्सटेंस added to molten metals kai